हेलो एवरीवन। तो आज बन रहा है मेरे किचन में नींबू का चटपटा सा अचार। तो इसके लिए हमने सौंफ, जीरा, धनिया, मेथी दाना और काली वाली सरसों और अजवाइन को हल्की आंच में हमने इसको रोस्ट कर लिया है। बिल्कुल लो फ्लेम में रोस्ट करेंगे और इसको हम एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे और इसके बाद हम इसको एक किनारे रख लेते हैं। बाकी के जो नींबू ये मैंने काट के रखे हैं ना, इनको मैंने प्रोसेस किया है 5 से 6 दिन के लिए। मैंने नमक डाल के छोड़ दिया था बंद डब्बे में, इसका सारा कड़वाहट निकल जाती है। और अब हम इसके पीसेस करके इसमें सारा मसाला ऐड कर लेंगे। साथ में मैंने मिर्च ऐड करी है और कुछ मैंने रेडीमेड जो मसाला आता है अचार का वो ऐड किया है। तो अब हम मसाले में अच्छे से नींबू को मिक्स करके और इसको हम एक जार में भर लेते हैं। तो जो नींबू मैंने रखे हुए हैं ना, तो नींबू का जो एक्स्ट्रा जो वाटर था इसका, वो मैंने अलग निकाल लिया था। अब ये वाटर अब काम आएगा ऊपर से मसाले को भिगोने के लिए। इस तरह से हम इसमें ये वाला पानी भी डाल देंगे जो मैंने नींबू का जो पानी निकाल के रखा हुआ था। तो ये मैंने खट्टा मीठा अचार बनाया है और ये वाला चटपटा अचार है। तो दोनों की रेसिपी मैंने शेयर कर दी है और जो खट्टा मीठा अचार इसकी मैंने रील बना के डाली हुई है और ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है किस तरह से बनाना है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी रेसिपी? पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।